नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा आपके साथ। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप और यहां चर्चा होगी राजनीतिक दलों के दाव पेच की, सत्ता के लिए राजनीतिक संग्राम की, जनता के मुद्दों पर कितने खरे नेता जी, और बात होगी उनके रिपोर्ट कार्ड की। समझेंगे विधानसभा सीट का भूत भविष्य और वर्तमान, चुनावी गणित, दलों की रणनीति, सियासत की बिसात बिछ चुकी है, सत्ता के गलियारों में चुनावी शोर गूंजने लगा है। तो कौन होगा सरताज, किसका ढहेगा किला, किसकी बचेगी साख, किस दल पर जनता को भरोसा, और 2023 में किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि 2023 दिखाएगा 2024 की तस्वीर। सत्ता के महासंग्राम में हम विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखेंगे, क्योंकि हम आपके सूबे के सभी विधायकों की परफॉर्मेंस और उनके क्षेत्र की जमीनी हकीकत के बारे में एक एक कर बताने जा रहे हैं। इसी कड़ी में सत्ता के महासंग्राम में आज बात इंदौर 3 विधानसभा सीट की। मध्य प्रदेश के लगातार बदलते मौसम के बीच एक बार सूबे की हवा फिर सियासी हो चुकी है। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को और ज़्यादा मजबूत करने की कवायद शुरू की है, और इस बीच इंदौर 3 विधानसभा सीट को लेकर भी सियासी तैयारियां जोरों पर हैं। और अगर ये पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में हाई प्रोफाइल सीटों में किस सीट का नाम है तो सबसे आगे है, तो इनमें इंदौर की विधानसभा 3 का नाम सबसे पहले आएगा। इंदौर की 3 नंबर विधानसभा सीट से बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विधायक हैं। आकाश यहां से पहली बार इलेक्शन में खड़े हुए और विधायकी का ताज पहन लिया, लेकिन जनता इस बार क्या चाहती है ये जानना जरूरी है। हम आपको बताएंगे कि जनता इस बार क्या मूड में है, ये खुद वोटर्स की जुबानी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसके पहले इंदौर 3 विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं, यह वोटर की संख्या कितनी है, और अब तक कौन सी पार्टी कितनी बार इस सीट पर कब्जा कर चुकी है, और वर्तमान विधायक ने अब तक कौन से वादे निभाए हैं, पहले ऐसे तमाम समीकरणों को समझ लेते हैं। इंदौर की बेहद खास 3 नंबर विधानसभा क्षेत्र में इंदौर की शान राजबाड़ा सहित कई ऐतिहासिक इमारतें हैं, जिसमें गोपाल मंदिर, कृष्णपुरा छतरी, बोलिया सरकार की छतरी, गांधी हॉल शामिल है। इसी क्षेत्र में प्रदेश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र सराफा बाजार, कपड़ा बाजार, बर्तन बाजार से लेकर किराना बाजार समेत कई बड़े बाजार हैं। लेकिन 2018 में विधायक बने आकाश विजयवर्गीय के लिए इस विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य कराना शुरुआत में भी चुनौती भरा था, और करीब 5 साल बाद भी चुनौती ही साबित हो रहा है। क्षेत्र की जनता के मन में सवाल है कि राजनीतिक रूप से सक्षम होने के बावजूद विधायक विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर आखिर क्यों नहीं बदल पाए। दरअसल इस क्षेत्र का बड़ा हिस्सा सरकार के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में आ चुका है। इसके तहत कई काम ऐसे हैं जो व्यवस्था को मुंह चिढ़ा रहे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों का कारोबार भी उजड़ा और विकास कार्य भी अधूरे रहे। बांदी के तौर पर देखें तो मरी माता से इमली बाजार और राजवाड़ा तक की सड़क 3 साल बाद भी पूरी नहीं बन पाई। मतलब साफ है कि 5 सालों में क्षेत्र की जनता क्षेत्र के विधायक से कहीं खुश है तो कहीं नाखुश दिख रही है। ऐसे में इस बार इस विधानसभा क्षेत्र में ऊंट किस करवट बैठेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर, इस बार जनता का मूड क्या है ये जानने से पहले समझ लेते हैं इंदौर 3 विधानसभा सीट का पूरा समीकरण। सबसे पहले जानते हैं कि पिछले चुनाव में इस सीट पर किसका दबदबा रहा। 1977 में जनता पार्टी से राजेंद्र धारकर विधायक बने, फिर 1980 और 85 में कांग्रेस से महेश जोशी जीते, 1990 में बीजेपी से गोपाल कृष्ण नेमा चुनाव जीते, 1995 में भी दोबारा नेमा ही विधायक बने, 1998 में कांग्रेस ने कमबैक किया, 1998 में कांग्रेस के अश्विन जोशी विधायक बने। जोशी ने 2003 और 2008 का विधानसभा चुनाव जीता। साल 2013 में फिर बीजेपी ने पलटी मारी। 2013 में
मौजूदा कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर जीती। फिर 2018 में आकाश विजयवर्गीय विधायक बने। तो ये तो तय है कि इंदौर तीन विधानसभा सीट कभी एक दल की रही नहीं। यहाँ पर कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी कब्जा करती रही, लेकिन पिछले दो बार से क्षेत्र की जनता भाजपा को पसंद कर रही है। फिलहाल इस सीट पर मौजूदा विधायक आकाश विजयवर्गीय है, मगर ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि क्षेत्र में अब तक कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं। चलिए जान लेते हैं। सरकारी स्कूल में स्मार्ट क्लासेस शुरू करवाई, बच्चों के लिए लाइब्रेरी, फर्नीचर, कंप्यूटर उपलब्ध कराए, नर्मदा जल के लिए टंकियां बनवाई, 100 से अधिक बोरवेल कराए, हर वार्ड में संजीवनी क्लिनिक खुलवाए, करोड़ों की लागत से सड़कों और पुलों का निर्माण शुरू कराया गया, पिछड़े इलाकों में स्ट्रीट लाइट की बेहतर व्यवस्था की, पूरे विधानसभा क्षेत्र में करीब 2000 करोड़ के विकास कार्य करने का दावा किया जा रहा है। चलिए ये तो हो गई क्षेत्र में विकास कार्यों की बात, लेकिन यहाँ के असल मुद्दे क्या है जिनका सरोकार सीधा जनता से है। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों पर। विधानसभा तीन की सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक जाम है। राजबाड़ा पर लगभग हर रोज जाम लग जाता है। युवाओं के सामने बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। बेलेश्वर महादेव में बावड़ी हादसा भी क्षेत्र का एक बड़ा मुद्दा है। ये है इस क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे जिनके दम पर इस बार क्षेत्र में आर पार की लड़ाई देखने को मिलेगी। वही इंदौर तीन विधानसभा क्षेत्र में अगर मतदाताओं की संख्या की बात करें तो यहाँ पर कुल 1,81,462 मतदाता है। पुरुष मतदाता 91,345 है। महिला मतदाताओं की संख्या 90,053 है। थर्ड जेंडर मतदाता 64 है। तो लाख के करीब ये मतदाता इस बार मोहर लगाएंगे कि कौन से दल का विधायक बनेगा। आखिर जनता के मन में इस बार क्या है, हमने इन्हीं मतदाताओं के बीच जाकर उनके मन की बात टटोलने की कोशिश की है। तो चलिए जानते हैं जनता का क्या कहना है, जनता के मुद्दे और नेताओं जी की घोषणाओं पर डालते हैं एक नजर। विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज गया है। इस साल के अंतिम माह में ये चुनाव प्रस्तावित है। इस वक्त हम खड़े विधानसभा क्षेत्र तीन में, जहां से आकाश विजयवर्गीय विधायक हैं। यह है राजबाड़ा, विधानसभा तीन का क्षेत्र, और अहिल्याबाई होलकर जिन्हें इंदौर शहर में मातोश्री के नाम से जाना जाता है। आज हम विधानसभा तीन के मतदाताओं से जानेंगे क्या है उनका रुख, किसकी होगी सरकार, किसका होगा विधायक। तो चलिए जानते हैं जनता से उनके मन की बात। जनता ही सरकार चुनती है, 5 साल बाद जनता ही फैसला सुनाती है कि वो अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी किसे देना चाहती है। तो सबसे पहले जनता की इस बार क्या राय है ये जानना जरूरी है। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने अपने मोर्चे खोल दिए हैं। इंदौर विधानसभा तीन की बात करें तो वर्तमान विधायक आकाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के है, और कांग्रेस से जो है वो नया चेहरा कोई नया उतारने की तैयारी में है। विधानसभा तीन को लेकर क्या मतदाताओं का रुझान है, क्या वोटरों की मांग है, क्या वोटरों का कहना है, किस तरह की सरकार होना चाहिए, क्या सरकार किसकी बनेगी, आज बात करते हैं विधानसभा तीन के वोटरों से। सर क्या लग रहा है आपको, विधानसभा तीन को लेकर क्या अभी सीन है, जो विधायक वर्तमान विधायक आकाश विजयवर्गीय उनका कार्यकाल किस तरह का है, और किस तरह से आपको उनको कितने नंबर देंगे आप? मैं नंबर पे उनको 0 बताना चाहता हूँ, और उसके पूरे मैं आपको चीज़ें बताऊँगा। सर्वप्रथम ये है कि उन्होंने यहाँ पर कोई काम करने में और कोई भी काम नहीं किए। सबसे ज़्यादा उनके ऊपर जो आरोप लगता है मेरी नज़र में, वो सिर्फ सांप्रदायिकता के आधार पर अपना एजेंडा चलाते हैं। काम करना चाहिए तो उसमें जन जन का नेता हो, जन जन के नेता हो। मैं आपको एक चीज़ और आगे बताना चाहता हूँ, जन जन का नेता अगर होगा तो वो
किसी भी तरह से काम करके इस क्षेत्र में विकास करेगा। किंतु क्या होता है कि उन्होंने एक अपने एजेंडा बना रखा, वो एजेंडे पे काम कर रहे हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया और विधानसभा को जैसे ऐसा छोड़ दिया कि जैसे कोई कुछ नहीं है। सिर्फ अगर वो बनते हैं ना तो पैसों के बल पे उनका ये कहना है, उनके पिताजी का भी ये कहना है कि हम तो पैसों के बल पे करते हैं, तो ये पैसा इसमें नहीं आता है। सिर्फ आपको सरकार बनानी है, विधानसभा जीतनी है, तो आपको किसी भी तरह से पूर्ण रूप से आपको जन जन के लिए काम करने पड़ेंगे। मैं इस क्षेत्र में नहीं जाऊंगा, मैं उस क्षेत्र में नहीं जाऊंगा, यहाँ पे काम करूंगा, वहां पे नहीं करूंगा, ये मानसिकता नहीं होना चाहिए। ये मानसिकता उनको किसी भी तरह से कहीं पर भी जिताएगी नहीं। ये बताइए, विकास को लेकर विधानसभा तीन में क्या आप देखते हैं, किस तरह का विकास हुआ है? आपका नाम बताइए और ये बात सुनिए। मैं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक तीन का मतदाता हूँ और जैसा कि आप 10 में से 0 नंबर दे रहे हैं, लेकिन मैं 10 में से 10 नंबर जो है माननीय विधायक आकाश विजयवर्गीय को दूंगा। कोरोना काल से लेके अब तक वे लगातार, जब से वे बने हैं तब से लगातार क्षेत्र में सक्रिय है। कोरोना में घर घर उन्होंने राशन वितरित किया है, दवाइयाँ वितरित की है, निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर वितरित किए हैं। जहाँ देखो जिस क्षेत्र में आप चले जाओ, चाहे वो पगनीसबागा में चले जाओ, राजवाड़ा में चले जाओ, अग्रसेन चौराहे पे चले जाओ, चितावद में चले जाओ, पालदा में चले जाओ, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको विकास करोड़ों रुपए के नजर आएंगे। बात विकास की है तो जगह जगह विकास कार्य विधायक जी ने कराए हैं। जहां तक इनका कहना है भ्रष्टाचार का, तो एक भी दाग माननीय विधायक जी पर नहीं लगा है, ना हमारी सरकार पर लगा है। जो काम सरकार कर रही है, लाडली लक्ष्मी बहना, हमारी ये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सरकार की ऐसी योजना है जिनका नाम हम खुद मतलब गिना नहीं सकते। स्मार्ट सिटी को लेकर बहुत परेशान है लोग, सालों से स्मार्ट सिटी के विकास को लेकर न तो लोगों को मुआवजा मिला है, न FAR का उतना बेनिफिट मिला है, तो इसको लेकर क्या कहें? स्मार्ट सिटी तो काम शुरू कर दिया, लेकिन विधायक से भी लोग अप्रसन्न है। नहीं, विधायक जी का जहाँ तक सवाल है तो वो आम जनता की राय लेकर ही कोई काम करते हैं। उन्होंने जब जब भी बैठकें की है उसमें आम जनता की राय ली है, उसके बाद ही किसी काम को आगे बढ़ाया है। वर्तमान में भी आप देखेंगे कि अभी आज ही पेपर में आया है कि राजवाड़े का जो कायाकल्प होना है उसमें आम जनता की राय को लेकर ही आगे बढ़ेंगे, तब तक उसको स्थगित किया गया है। तो विकास के काम को लेकर हम निरंतर सजग है, हमारे विधायक जी सजग है और क्षेत्र की जनता संतुष्ट है उनसे। विधानसभा तीन में विकास का क्या देखते हैं सीन, क्या विकास हुआ है या सिर्फ वादे और वो जो चुनावी जो हथकंडे होते हैं वो अपनाए गए हैं? पूर्णतः विकास की तो कोई बात ही नहीं है। विगत 4-4.5 साल का अगर आकाश विजयवर्गीय का कार्यकाल देखा जाए तो विधानसभा तीन के अंदर सारे प्रमुख बाजार इंदौर शहर के व्यावसायिक पूरे बाजार आते हैं, चाहे कपड़ा मार्केट हो, चाहे सराफा हो, इन सब अपना खजूरी बाजार हो, उस खजूरी बाजार वाली रोड पे ही इतना भ्रष्टाचार था कि वो रोड बनने में इतना समय लगा और कई जगह और रोड बनने के बाद भी गड्ढे हुए हैं। ऐसी चीज़ें जब हमारे विधायक की ये कह रहे हैं, और दूसरी ओर जब कोरोना काल था, कोरोना काल में सबसे पहले कांग्रेस का विधायक संजय शुक्ला जगा, उसके बाद में कांग्रेसी लोगों ने जब धूम मचाना चालू करी, भाजपा की कुंभकर्णी नींद खुली और उसके बाद ही भाजपा के लोग सक्रिय हुए थे। आप देख सकते हैं सिर्फ एक ऑक्सीजन का सिलेंडर आया था तो उसको फुग्गे उग्गे से सजा के इन्होंने लोगों को ऑक्सीजन नहीं देने के लिए उसके लिए ताली बजवा रहे हैं और ड्राइवर को रोक के उसका आनंद उठा रहे हैं। मतलब आदमी की जो व्यथा रहती है, जो कष्ट रहता है, उसको तो सुनने को तैयार नहीं, वो अपनी बताने के लिए तैयार है। तो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलो जोर से बोलो यही कार्य करती आई थी, कर रही है। ये बताइए कि विधानसभा तीन में जो है वो विकास का जो मॉडल तैयार किया गया था उसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि अब समय आ गया है परिवर्तन का? देखिए, मैं बोलना चाहता हूँ, आकाश विजयवर्गीय जी मेरे भाई हैं, मैं कांग्रेस पार्टी के होने के बाद भी उनको भाई जैसा मानता हूँ, मगर वो निश्चित रूप से इस बार विधानसभा तीन का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये अंदर खाने से भी खबर है और उनके लोगों से भी खबर है कि विधानसभा तीन का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जो व्यक्ति चुनाव से भाग रहा है तो निश्चित रूप से समझा जाएगा कि उसने क्या विकास किया है। उन्होंने CM राइज स्कूलों की घोषणाएं करी कि 200 करोड़ का काम करा है, 300 करोड़ का स्कूल बनेगा, पर उनको यही नहीं मालूम है कि इस 22 और 23 के बजट में मात्र 15 लाख रुपये CM राइज स्कूल के नाम पर दिए गए हैं और 200 से 300 करोड़ रुपये के उन्होंने शिलालेख लगा लिए हैं। तो उन्होंने सिर्फ इस विधानसभा के अंदर शिलालेख लगाने के अलावा कोई काम नहीं करा है। भले वो शिलालेख आप 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, चमड़े की जमाने हिलाने में कुछ नहीं जाता,
जाता है, तो विधानसभा तीन के अंदर आकाश विजयवर्गीय जी का इतना रोष है कि जितने भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं वो सब उनके खिलाफ हैं। निश्चित रूप से मानिए कि तीन नंबर विधानसभा से इस बार आकाश विजयवर्गीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। विधानसभा तीन में अगर हम बात करें तो कांग्रेस का क्या मूड है, क्या किसको टिकट देंगे, युवा होगा या पुराना कोई ऐसा चेहरा होगा जो आकाश विजयवर्गीय को टक्कर दे सके? देखिए, आकाश विजयवर्गीय तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये तो 100% बात तय है। और कांग्रेस की रही बात, तो कांग्रेस की बेसिक सीट रही है, यहाँ हार जीत 5,000 से 8,000 वोटों के बीच में होती है। तो निश्चित रूप से मानिए इस बार कांग्रेस का विधायक बनने जा रहा है और युवा नेतृत्व को ही टिकट मिलेगा, ये भी तय है। ये बताइए कि इस बार जो है चुनाव में प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे विधानसभा तीन में? क्या आपको लगता है कि इस बार जनता परिवर्तन के मूड में या विधायक के कामकाज से संतुष्ट हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि जो तीन के विधायक जी हैं वो किसी बच्चे जब रोता है ना कि चॉकलेट चाहिए तो चॉकलेट उनके मुंह में फंसा दी गई है, लॉलीपॉप, उसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा बात है कि तीन नंबर विधानसभा के सांसद इंदौर शहर सातवीं बार इंदौर नंबर वन आ रहा है सफाई में। ये पेपर एक कटिंग में आपको दिखा रहा हूँ, इसमें शिकायतकर्ता मैं खुद भी हूँ। निगम से लेकर प्रधानमंत्री तक शिकायत किया कि बापू की जो प्रतिमा है वो पूरी गंदगी में सहने हो रही है और जहाँ रहवासी जो आसपास निकलते हैं वो बदबू से परेशान है। नगर निगम, कलेक्टर, कमिश्नर, सीएम और प्रधानमंत्री कोई को जू नहीं रहेंगी। जब अवार्ड लेने की बात आई उस दिन, एक दिन पहले जब सुनील सिंह बघेल जी ने न्यूज़ छापी, अगले दिन प्रशासन जागा और उस जगह को सही कराया। तो झूठे राम दुलारे हैं, बापू के हत्यारे हैं, राम का तो नाम है और चंदा खाना काम है। आपको क्या लगता है कि विधायक की सक्रियता या विधायक के कामकाज आपको संतुष्ट कर रहे हैं या जो नया कोई आप परिवर्तन चाहती हैं या कोई और दल का विधायक चाहती हैं? मैं तो यही चाहती हूँ कि परिवर्तन आए, परिवर्तन जीवन का नियम है, वो आना चाहिए। स्थानीय जो स्तर का कि हम बात करें, विधानसभा तीन की बात करें, तो क्या प्रमुख मुद्दे ऐसे हैं जो आपको लगता है कि विकास में ये पीछे रह गए या ये विषय हमारे जो है जनता के जो विषय है वो विधायक ने बराबर नहीं उठाया, उसका निराकरण नहीं किया? कौन से ऐसे विषय हैं? पहली बात तो शिक्षा की, स्कूल बन रहे हैं लेकिन खुलते नहीं है, बना दी है बिल्डिंग है बहुत सारी, तीन नंबर क्या दूसरे क्षेत्रों के 2 नंबर से लेकर 5 नंबर कई स्कूल बनाए गए 10 साल से मैं देख रही हूँ। मैं खुद बच्ची थी जब स्कूल में थी, मैंने सोचा था इस सरकारी स्कूल में एडमिशन लूंगी क्योंकि अच्छे स्कूल होते हैं, पढ़ाई अच्छी होती सरकारी स्कूलों में, लेकिन वो आज तक खुले नहीं है। वहाँ पर बीजेपी के कार्यक्रम होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन शिक्षा का जो मंदिर है वो बच्चों के लिए आज तक नहीं खुला है, तो कब खुलेंगी, कब आँखें खुलेंगी इन सब की? आप युवा है, युवा बहुत अहम रोल निभाता है किसी भी विकास के मॉडल को तैयार करने या विकास के मॉडल के सुझाव के लिए। आपको क्या लगता है युवा युवाओं का जो है वो प्रतिनिधित्व जो करते हैं युवा आकाश विजयवर्गीय, वो खरे उतर रहे हैं अपने विकास के काम काज? जी, भारतीय जनता पार्टी का तो मेरा ऐसा मानना, विधायक जी या कोई भी नेता, उन्होंने युवाओं को सिर्फ मंडल के लिए रख रखा कि मंडल में आओ, 100 लोग लाओ, 200 लोग आओ, पद प्राप्त करो आपका, बाकी उन्हें किसी मतलब नहीं कि शिक्षा है, रोजगार है, युवा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आप सिर्फ आओ हमारे लिए मंडल में आओ, आप उपाध्यक्ष बन जाओ, मंत्री बन जाओ और 100 गाड़ी ले आना भैया, 200 आप ले आना, बस मंडल में यही काम है युवाओं का। भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी ऊपर से लेकर नीचे तक अगर युवा मोर्चा बनी तो सिर्फ टीम के लिए बनी, अन्यथा उन्हें कुछ भी मतलब नहीं। युवा अगर कमा रहा है, घर में क्या ला रहा है, कैसा पेट्रोल डला रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। तो विधानसभा तीन में क्या आपको लगता है कि क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए? विधायक आकाश विजयवर्गीय के कामकाज से आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट तो कुछ भी नहीं है। जैसे भाई साहब हमारे भारतीय जनता पार्टी के भैया ने बताया, उन्होंने बहुत विकास करा, उन्होंने सिर्फ होर्डिंग को पोस्टर में करा कि भैया 100 करोड़ की योजना यहाँ ला रहे हैं, 200 करोड़ की वहाँ ला रहे हैं, पर जमीन स्तर पर कुछ नहीं है। और विकास की गंगा तो इतनी भाई है कि रोड ऑफिस खुद गए जो उन्होंने बनाए थे पूरे, जो कभी बने ही नहीं थे। आज भी विधायक जी से अगर पूछ लें 4 क्षेत्र के नाम तो वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि चला ही उन्हें 4 लोग रहे हैं कि भाई यहाँ जाना और यहाँ जाना और यहाँ से ही आना है बस। इसके अलावा उन्हें पता ही नहीं विधायक जी को कि क्षेत्र हमारा है क्या, कितना बड़ा है और उसमें क्या समस्या है, सिर्फ होर्डिंग पोस्टर की राजनीति है और उसी पर चले जा रहे हैं बस ये लोग। विधायक आकाश विजयवर्गीय कितने सक्रियता से काम कर रहे हैं, क्या विकास का मॉडल को जो उन्होंने तैयार किया था जब चुनाव के समय में जो उन्होंने वादे किए थे, जो उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया, क्या वो काम पूरे हुए हैं या आपको लगता है कि नहीं अभी कुछ और बाकी है? देखिए, विकास का इन्होंने सिर्फ मॉडल बनाया है, काम तो कुछ किया नहीं है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है राजबाड़ा की ट्रैफिक व्यवस्था, पूरे इंदौर का हृदय स्थल आता है, व्यापारिक क्षेत्र आता है, फुटपाथ पे लोगों को हटा रहे हैं पर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं चला रहे हैं। दूसरी बात, ये व्यापारी हैं, व्यापारी होने के बावजूद वो व्यापारियों के जो लाइसेंस फीस है उस पर लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। तो इनके मैनिफेस्टो में ये व्यापारियों की बात करते थे उसमें फेल हो गए, गरीबों के फुटपाथ की बात करते थे तो इन्होंने फुटपाथ से हटा दिया, राजबाड़ा के विकास की बात करते हैं ये माँ अहिल्या लोक बनाने की बात कर रहे हैं, बाकी आज भी ट्रैफिक व्यवस्था वैसी की वैसी है। अगर विकास की बात करें तो आपने थोड़े दिन पहले ही देखा होगा
कि आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी और आकाश विजयवर्गीय जी ने न्यूज़ में देख के बोला था कि हम 10 टैंकर चला रहे हैं, तो क्या इतने दिन आपको पानी की याद नहीं है? क्या 5 साल आपको पानी की व्यवस्था नहीं समझ में आई, ट्रैफिक की व्यवस्था समझ में नहीं आई? आपने डेवलपमेंट किया क्या? पटेल नगर बगीचे का जो हादसा हुआ उसका जीता जाता उदाहरण है कि आपने पक्ष लिया, कई लोगों की जान गई, तो आप 5 साल से कर क्या रहे थे? ये सिर्फ बातें करते हैं। और इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि आकाश विजयवर्गीय को एक अफसर को बल्ला मारना पड़ा, इसका मतलब ये है कि न तो आपके कंट्रोल में प्रशासन है न पार्टी है। इसलिए ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी विकास के मॉडल के नाम पे लोगों को गुमराह किया है पिछले 20 सालों से। और वो कैसे चुनाव जीते हैं यह जनता को मालूम है कि किस तरीके से खरीद फरोख करके लोगों को यात्रा पे भेज के वोटर्स को, कांग्रेस के वोटर्स को हम बोल सकते हैं कि उन्होंने लालच दे के खरीदा है और उनको यात्रा पे भेजा। और इतना अगर था तो वो सिर्फ 5,000 वोटों से क्यों जीते? और अभी मेरे को लगता नहीं कि शायद उनको टिकट भी मिले, जो उनकी स्थिति है। विकास को लेकर हम बात कर रहे हैं कि जनता अब विधानसभा चुनाव में 3 नंबर में क्या जनता का अब मन कह रहा है, क्या लगता है आपको कि विधानसभा चुनाव में क्या विकास के मुद्दे रहेंगे और क्या विधानसभा 3 के विधायक जो है आकाश विजयवर्गीय वो अपने काम से सबको खुश कर पा रहे हैं, संतुष्ट कर पा रहे हैं, विकास कर पा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि विकास की बात की जाती है तो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में कहीं पर भी विकास दिखाई नहीं देता है। तो विकास के नाम पे तो ये वोट मांग नहीं सकते हैं। और इस बार कोई कांग्रेस का युवा नेतृत्व ही चुनाव जीते। आज हमने विधानसभा 3 के मतदाताओं का रुख जाना और समझा कि क्या विधानसभा चुनाव में मतदाता परिवर्तन चाहते हैं। मिलीजुली प्रतिक्रिया में हमें ये समझ में आया कि मतदाताओं का रुझान इस बार दोनों दलों की तरफ बराबर है। अब विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि विधानसभा 3 में किस पार्टी का विधायक आएगा। हमने जनता का मूड भी जाना, क्षेत्र का पूरा समीकरण भी समझा, लेकिन इस बार क्षेत्र की जनता कहीं खुश तो कहीं नाखुश नजर आ रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि इंदौर 3 विधानसभा में भाजपा अपना वर्चस्व कायम रख पाती है या फिर कांग्रेस पहले की तरह बाजी मारने में कामयाब होती है। जी हाँ, ये तो तय है कि जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं ऐसे में इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि सत्ता के महासंग्राम को जीतना तो हर कोई चाहता है लेकिन जनता का मन पढ़ पाना भी इतना आसान नहीं है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और मिलते हैं सत्ता के महासंग्राम में किसी दूसरी विधानसभा की जानकारी के साथ। नमस्कार।